Hello students, in the previous video we have discussed about the ozone layer and the air pollution. Okay, now in this video we will discuss about the water. What is water? Okay, now start. Let's start now. Okay, water. What is water? Try this. अब हम लोग ये पढ़ेंगे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग. ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस. इट इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर ए होल डे. रिकॉर्ड इट इन ए चार्ट लाइक द शो वन शो हियर. Discuss this data in the class. Divide the total amount of water used in your house by the number of persons to find out how much water each person needs. अब इसका मतलब क्या है ये पूरे पैराग्राफ का? इसमें बोला है कि आप लोग अपने ऑब्जर्व करो कि आप कितना वाटर अपने घर में यूज़ करते हो, कितना पानी अपने घर में यूज़ करते हो. आप इसका एक चार्ट बनाओ, पर आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा. ओके, आप इसका एक चार्ट बनाओ कि कितना आप यूज़ करते हो अपने घर में वाटर. ओके, फिर इसमें बोला है कि ये फिर अपने क्लास में आप इसके बारे में डिस्कस करो. और ये जो आप जो जो यूज़ करते हैं उसका ऐसा एक चार्ट बनाओ. रुको मैं बताती हूँ. देखो ऐसा ऐसा आप चार्ट बनाओ, ऐसा चार्ट. एक बाथ में आप कितना यूज़ करते हो, जब नहाते हो तब कितना यूज़ करते हो पानी, कितना लीटर. ब्रशिंग टीथ, जब दांत साफ करते हो, ये ब्रश करते हो तब कितना आप यूज़ करते हो. वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में कितना यूज़ करते हो. मॉपिंग द फ्लोर, और ये पोछा मारने में कितना यूज़ करते हो पानी. ड्रिंकिंग, पानी पीने में कितना यूज़ करते हो. कुकिंग, खाना बनाने में कितना यूज़ करते हो पानी. वो सब आपको इधर लिखना है आप. ठीक है, देखो अब हम आगे पढ़ते हैं. आगे क्या है? यू विल सी दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्पेंड इवन ए सिंगल डे विदाउट वाटर. आप देख सकते हो कि हमारे लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग एक एक दिन भी बिना पानी के रह सकते हैं क्या? नहीं, हम एक दिन भी पानी के बगैर नहीं रह सकते. ओके, एक दिन अगर रह भी लिया तो हम लोग की हालत पूरी ख़राब हो जाती है. ओके, वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 liters ऑफ वाटर एवरी डे सो दैट ऑल आवर बॉडीली फंक्शंस रन स्मूथली. अब इसमें क्या बोला है कि हम लोग रोज़ के रोज़ हम लोग को 3 या फिर 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए. ठीक है, एक एक दिन में 3 या फिर 4 लीटर पानी पीना चाहिए. उससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं ना अंदर, जो हमारी बॉडी काम करती है ना, वो बहुत अच्छे से चलते हैं. ओके, अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर, ऑल्दो द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर बॉडी. अब इसमें बोला है कि जो अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अलग लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जैसे काओ, गोट और बर्ड्स, ये सब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना. एनिमल्स और बर्ड्स, ये सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है. तो बाकी लिविंग थिंग को भी हमारे लिए मतलब उनको भी पानी की ज़रूरत होती है. उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो बड़े हैं तो ज़्यादा पानी पियेंगे, छोटे हैं तो कम पानी पियेंगे. ओके, दस वी सी दैट वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अभी तक हमने देखा कि वाटर बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. ओके, इफ़ हाइड्रोजन गैसेस बर्न्स इन एयर इट कम्बाइंस विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म्ड. अब इसमें बोला है कि हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है, जब जल जाता है, मतलब कि जब वो एयर में जाता है हाइड्रोजन गैस, फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में मिलते हैं, तो बन जाता है हमारा वाटर.
ठीक है, अभी आप लोग को नहीं होगा साइंस में अभी नहीं आएगा आपको कि इसका एक फॉर्मूला भी है। देखो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में मिलता है तब हम उसको केमिस्ट्री साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं H2O। ओके, हम ऐसे बोलते हैं उसे, कैसे बोलते हैं H2O। हाँ, हम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, आपको सिंपली याद रखना है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर। ओके, वी हैव लर्नड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। हम लोग को ये वाटर के कुछ तरीके, कुछ चरित्र, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जर्व एंड डिस्कस। पहले हम ये नहीं देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे। ओके, ये जो ऑरेंज बॉक्स में है, ये वाला। ओके, इन नेचर वाटर अकर्स इन थ्री स्टेट्स। हमारे नेचर में तीन तरीकों से वाटर है। ओके, तीन तरीके का वाटर है। वाट डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ओडर। और ये ना वाटर का टेस्ट होता है, ना कलर होता है, ना कुछ होता है। ओके, मैनी सब्सटेंस रेडिली डिजॉल्व इन द वाटर। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ऐसे कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो वाटर में जाके घुल ना जाए। ओके, देयरफॉर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इसीलिए ये वाटर जो है वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब कि वाटर के अंदर हम लोग कुछ भी डालें, नमक डालें वो भी घुल जाएगा, शक्कर डाले वो भी घुल जाएगा, और गंदगी डाले तो वो भी पानी के अंदर चला जाता है। वो वाटर सबको एस्पेक्ट करता है। ओके, सबको अपनाता है। ओके, सॉरी गलती से वो बोल दिया मैंने गलत। ओके, द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन प्लांट्स कंटेन ए वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। अब इसमें बोला है कि जो ये एनिमल्स के जो कुछ ब्लड होते हैं, कुछ प्लांट्स की गंदगी होती है, मतलब प्लांट्स जो टूट जाते हैं, जो मतलब नदी के पास होते हैं, प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं वो, और जो जो एनिमल्स मर जाते हैं उनके जो ब्लड होते हैं वो भी वाटर में मिल जाते हैं। ओके, फिर ये अगर वाटर नहीं रहा तो लिविंग थिंग नहीं रह पाएगा। ओके, लिविंग थिंग में हम लोग भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, और बर्ड्स भी आते हैं। ओके, इंसेक्ट्स भी आते हैं, ये सब लिविंग थिंग में आते हैं। और अगर पानी नहीं रहा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। ओके, देयरफॉर इट इज़ सेड दैट वाटर इज़ लाइफ। इसीलिए इसे हम बोलते हैं वाटर इज़ लाइफ। ओके, इसीलिए हम ये कहावत तो सुनी होगी कि वाटर एक लाइफ होता है। अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। डायग्राम में क्या है देखो। ओके, डायग्राम में आपको बताती हूँ एकदम अच्छे से। ये देखिए आपको डायग्राम दिख गया है, ये डायग्राम है हमारा। ओके, ये समझ लीजिए ये पूरा पानी का है, पानी इसमें जितने भी है ना, देखो ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू सब्सटेंस और ये रेड ग्रीन। देखो ये पूरा इतना जो है ना, ये पूरा सी और ओशन में चला जाता है। ये पूरा जो अर्थ का पार्ट है हमारा, ये पूरा सी और ओशन में चला जाता है। पूरे हमारे अर्थ में कितने परसेंट ये सी और ओशन के कितने परसेंट है, सी और ओशन हमारे अर्थ में कितना परसेंट है, 97% में से सी और ओशन हमारे पूरे अर्थ में 97% है। ओके, और जो ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स, और जो ग्राउंड वाटर मतलब गटर वगैरह वगैरह, और वो जो ज़मीन से पानी आता है उसे भी ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ओके, और आइस और वाटर जो, और जो अलग अलग तरीके के वाटर्स होते हैं वो हमारे कितने परसेंट के, 2.7% है। ओके, देखो इतने परसेंट के हमारे
जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, रेड वाले में आपको दिख रहा है, देखो ये वाला रेड वाला देखो, ये इसमें ये हम लोग का क्या है जो बर्फ़ के फॉर्म में है वाटर, जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, जो अलग अलग फॉर्म के वाटर है वो हमारे इतना ही है। और वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, अब पीने के लिए पानी हम लोग का कितना है, सिर्फ इतना हम लोग पीने के लिए पानी इतना ही यूज, देखो कितना कम है हमारे पूरे अर्थ पे पीने के लिए पानी, फिर भी हम सब लोग इतना, देखो इतना परेशानी क्यों आती है हम लोग को पानी की। आप लोग सोचते होंगे कि इतना सारा पानी है हमारे अर्थ पे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग को पानी सही से नहीं मिलता है, कोई कोई जगह पर सही से नहीं मिलता है ओके पानी, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत अच्छे से पानी मिलता है 24 घंटे, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर पानी नहीं मिलता है, एक थोड़ा सा भी गांव साइड ज़्यादा ऐसा होता है ओके। अभी देखो वाटर हमारे लिए, देखो ग्रीन पार्ट में है जो पीने का पानी है, वो हम लोग उतना उतना ही पी सकते हैं। वाटर कितना हमारे लिए, मतलब पूरे अर्थ में 100% में से सिर्फ 0.3% वाटर हमारे पीने के लिए ओके, और 97% 100 में से 97% सी और ओशन में है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सी और ओशन का पानी भी तो पी सकते हैं, क्या ज़रूरी है ये, इतना ही थोड़ी ना पानी हम पी सकते हैं। सी और ओशन का पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि वो नमक होता है, खारा होता है ओके, नमकीन होता है वो पानी, हाँ इसीलिए हम उसे नहीं पी सकते हैं। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये, पर ये फिर हमारे अर्थ में सी और ओशन क्यों है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोल हमारे अर्थ पे निभाता है ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे अर्थ के लिए, सी और ओशन भी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सी नहीं होगा, ओशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, उसी के वजह से। अभी आप लोग ये सब नहीं सीखोगे कि बारिश कैसे होती है, मैं आपको बाद में बता दूँगी बारिश कैसे हो सकती है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए मैं आप लोग को नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं आपको पक्का बताऊंगी कि सी और ओशन से वाटर बादल मतलब रेन कैसे बनते हैं ओके। देखो अब मैंने आपको बता दिया कि हमारे ओशन और सी 97% है, ग्राउंड वाटर आइस और अदर सब्सटेंस ये हमारे 2.7% है, और सिर्फ पीने के लिए पानी हम लोग का 0.3% है ओके। अब देखो हम लोग देखते हैं इधर ये टेबल में, सी और ओशन 97% मैंने आपको जैसे कि बताया था, और जो वाटर इधर देखो खाली स्पेस दी है ना, मैंने आपको वो डायग्राम में बताया था कि 2.7% किसका होता है, ये देखो आप लोग को बस ये लिख देना है और कुछ नहीं ये टेबल में ओके। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो हम लोग पी सकते हैं पानी फ्रेश वाटर, वो कितना अवेलेबल है देखो मैं आपको बता देती हूँ कितना अवेलेबल है, 0.3% ओके, 0.3% ओके, टोटल 100%। ये सबको आप प्लस करोगे 0.3, 2.7 और 97 को प्लस करोगे तो आपको 100 ही मिलेगा ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं, वी कैनॉट यूज़ वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज़ सॉल्टी। हम लोग जो अर्थ के वो सी वाटर होते हैं हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो सॉल्टी होते हैं, क्योंकि वो नमक नमक खारा टेस्ट आते हैं ओके। सम वाटर इज़ इन द फ्रोजन स्टेट, कुछ वाटर जो है वो बर्फ़ के फॉर्म में है, जैसे कि आप हिमालय साइड ये सब साइड जाओगे तो आपको पानी थोड़े थोड़े तो उसमें बर्फ़ दिखेंगे ही। ए वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, हमारे लिए सबसे ज़्यादा सबसे कम है वाटर पीने के लिए, पीने के लिए हमारे पास सिर्फ 0.3% ही है 100 में से, सोचो कितना कम पानी है हमारे अर्थ में पीने के लिए। फिर भी क्या है, फिर भी हमारे लिविंग थिंग्स इसमें रह लेते हैं, येट इट इज़ इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, हमारे सारे लिविंग थिंग्स के लिए ये इनफ है ओके। ठीक है अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, फाइंड आउट, अब देखो इन व्हाट वेज इज़ द वाटर इज़ इन सीज एंड ओशंस वो यूजफुल इवन दो इट इज़ सॉल्टी ओके।
ये सब देखो, इसमें ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या ढूंढ निकालना है, फाइंड आउट मतलब ढूंढ निकालना है कुछ हमें, ठीक है। क्या ढूंढ निकालना है हमें कि देखो ये वाटर जो है, सी वाटर, वो हमें किस काम में आते हैं, हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम किस काम में आते हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ किस काम में आते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट देखो, हम लोग सॉल्टी सॉल्टी हमेशा बोलते हैं ओशन और सी को कि ये सॉल्ट है, सॉल्ट है इसमें, ठीक है। देखो ये सॉल्टी, देखो हम लोग को ओशन से ना सॉल्ट भी मिलता है, नमक मिलता है ओशन से, ठीक है, नमक मिलता है हम लोग को ओशन से। देखो आज हम लोग ने ये पेज में पूरा वाटर के बारे में पढ़ा, ओशन के बारे में पढ़ा, सी के बारे में पढ़ा और अदर वाटर फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, ओके। चलो, थैंक यू।